हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट के साथ में। देखिए, स्टॉक मार्केट में बेशुमार शेयर्स लिस्ट हैं और बहुत सारे कम लोगों को जो है इन चीज़ों का पता होता है कि कौन सा शेयर अच्छा चल सकता है, क्या कंपनी काम करती है और क्या कंपनी की बैलेंस शीट कहती है। तो आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में मैं दो ऐसे पैनी शेयर्स लेके आया हूं जो अच्छे खासे रिटर्न्स आपको आने वाले टाइम में दिखा सकते हैं और आई थिंक किसी ने भी इन शेयर्स के बारे में नहीं सुना होगा। तो कौन से शेयर हैं डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, शुरू से लेके एंड तक जो है हर चीज़ को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी अगर जुड़ना चाहते हैं अपडेट्स के लिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका लिंक डाल दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं अपडेट्स के लिए। तो मार्केट कैप देखिए, इस कंपनी का जो है 35 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। करंट स्टॉक का प्राइस जो है वो 5.95 रुपये है। 52 वीक हाई 8.94 रुपये और 52 वीक लो 3.36 रुपये का। स्टॉक पी 15.4 है। बुक वैल्यू पर शेयर 5.62, यानी कि अपनी बुक वैल्यू पर शेयर के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ROC और ROE 5.67% और 4.87% है, लगातार बढ़ रही है ROC और ROE इस कंपनी की। फेस वैल्यू स्टॉक की 2 है और कंपनी हैज रिड्यूस डेप्ट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.06 times इट्स बुक वैल्यू, यानी कि कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री देखने को मिल रही है। स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और कंपनी जो है रिपोर्टेड रिपीटेड प्रॉफिट्स, इट इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड्स, यानी कि कंपनी जो है लगातार प्रॉफिट कर रही है लेकिन डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही है। सारा का सारा प्रॉफिट जो है कंपनी अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश में इंक्रीज कर रही है। प्रमोटर होल्डिंग जो है वो कम देखने को मिल रही है 10.7% की और पुअर सेल्स ग्रोथ भी जो है हमें इस कंपनी की देखने को मिल रही है। कंपनी अगर मैं सेक्टर की बात करूँ तो केबल सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है और इंडस्ट्री जो है वो केबल्स एंड पावर की है। तो कंपैरिजन देखें तो आप पॉलीकैब है, KEI इंडस्ट्रीज है, फिनोलेक्स केबल्स है, यूनिवर्सल केबल्स है। कंपनी का नाम है BC पावर कंट्रोल्स लिमिटेड। लास्ट क्लोजिंग डे में ऑलमोस्ट 3.5% की तेजी हमें BC पावर कंट्रोल्स में देखने को मिली और BC पावर कंट्रोल्स लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ इलेक्ट्रिक आइटम्स विच इंक्लूड फेरस एंड नॉन फेरस मेटल लाइक्स वायर्स एंड केबल्स, यानी कि कंपनी जो है वो वायर्स एंड केबल्स की मैन्युफैक्चरिंग में यहां पे इन्वॉल्व कर रखा अपने आप को और ट्रेडिंग एक्टिविटीज में भी लास्ट डे जो है ऑलमोस्ट 3.5% की तेजी इस स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिली थी। प्रमोटर शेयर होल्डिंग की बात करूं तो नेट प्रमोटर शेयर होल्डिंग डिक्लाइन टू अप्रोक्स 10.66% इन फाइनेंशियल ईयर 21 फ्रॉम 54.3% इन फाइनेंशियल ईयर 19, यानी कि थोड़ी सी यहां पे जो है कंपनी की जो है प्रमोटर्स की स्टेक जो है वो हमें कम होती हुई नजर आ रही है। फोकस जो है कंपनी का देखिए, द कंपनी इज मेकिंग एफर्ट्स टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स टू गेट मोर ऑर्डर्स एट कंपिटिटिव रेट, यानी कि कंपनी अपने आप को बेहतर बनाने की लगातार इंप्रूवमेंट कर रही है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए अभी नेगेटिव जरूर देखने को मिला लेकिन सेल्स भी जो है थोड़ी सी कम होते हुए हमें इसको साल के अंदर देखने को मिली, लेकिन कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए लास्ट ईयर की 1235% की है और CAGR लास्ट ईयर का 57% है। कंपनी लगातार अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है। ऐसे स्टॉक्स में बल्क में इन्वेस्टमेंट करना तो बहुत रिस्की है, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करके आप लॉन्ग टर्म होल्ड करके ऐसे स्टॉक्स को चल सकते हैं। बैलेंस शीट की बात करूं तो कर्जा जो है कंपनी के ऊपर सिर्फ 0.50 करोड़ का ही देखने को मिला, यानी कि कंपनी ने क्वार्टर के अंदर एकदम से अपना कर्जा कम कर दिया। जहां मार्च 2021 में 8 करोड़ का कर्जा था वो अब मार्च 2022 में बिल्कुल खत्म हो चुका है। रिजर्व कंपनी के पास इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं 21.27 करोड़ के रिजर्व और टोटल एसेट्स कंपनी के पास 67.15 करोड़ के टोटल एसेट्स भी है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करूं तो 10.66% और FII की होल्डिंग 0.23% और पब्लिक की होल्डिंग 89.11% इस स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं दूसरे स्टॉक की बात करूं जो भी एक पैनी शेयर है, उसका मार्केट कैप है कंपनी का 20 करोड़, करंट प्राइस स्टॉक का 21.90 रुपये, 52 वीक हाई 25.80 रुपये और 52 वीक लो जो है 12.20 रुपये का है। स्टॉक पी 9.82, बुक वैल्यू पर शेयर 43.5 है, यानी कि अपनी बुक वैल्यू से ये स्टॉक बहुत ही ज्यादा नीचे आप लोगों को ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। और कंपनी का ROC देखें आप 7.59% और ROE जो है 0.89% का है। फेस वैल्यू स्टॉक की 10 है और कंपनी का जो प्रोज है वो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.5 times इट्स बुक वैल्यू, यानी कि अपनी बुक वैल्यू से आधा नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रही है कंपनी हर बार और डेप्टर डेज जो है यानी कि कर्जे के जो दिन है लौटाने के वो भी इंप्रूव होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। कौनस की बात करूं तो लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है और यहां पे जो पुअर सेल्स ग्रोथ है लास्ट 5 साल की जो है 4.05% देखने को मिल रही है। प्रमोटर होल्डिंग भी स्टॉक के अंदर 15.8% देखने को मिल रही है। पीयर कंपैरिजन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंजीनियरिंग यानी कि इंजीनियरिंग सेक्टर की एक कंपनी है और पीयर कंपैरिजन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, थर्मेक्स है, भारत डायनामिक्स, टॉप की जो
इंजीनियरिंग की सर्विसेज की प्रोवाइड करने वाली कंपनीज है उनके साथ में हमें पीयर कंपैरिजन भी देखने को मिल रहा है और कंपनी का नाम है ऋषि लेजर लिमिटेड। लास्ट क्लोजिंग डे भी ऑलमोस्ट 3.5% की तेजी देखने को मिली। इनकॉर्पोरेटेड इन 1992 ऋषि लेजर लिमिटेड इज एंगेज इन मैनुफैक्चरिंग एंड फैब्रिकेशन ऑफ सीट मेटल कंपोनेंट्स एंड मशीन्स। और अगर मैं इसके सर्विस ऑफर्ड की बात करूँ तो कॉन्ट्रैक्ट मैनुफैक्चरिंग है, डिजाइन एंड डेवलपमेंट हो, पंचिंग है, सीट सेट स्टील फैब्रिकेशन है, बेंडिंग है, लेजर कटिंग है, वेल्डिंग है, ऑक्सी फ्यूल प्लाज्मा कटिंग और सर्फेस ट्रीटमेंट। तो वो बहुत ही वास्ट एरिया जो है इनका सर्विसेज का है देखने को मिल रहा है। और यूजर इंडस्ट्री की बात करूँ तो यहाँ पर रेलवेज है, अर्थ मूविंग मशीनरी है, ऑटोमोटिव है, पावर प्लांट इक्विपमेंट है, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेशन है, टेक्सटाइल एंड जनरल इंजीनियरिंग। यानी कि कंपनी का जो कामकाज है ना और इंडस्ट्रीज जो है वो यहाँ पर रेलवेज तक ऑटोमेटिव इंडस्ट्री है, अर्थ मूविंग मशीनरीज हम बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी कि इंजीनियरिंग सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंप्रूव होता हुआ देखने को मिल रहा है, इस साल का 6 करोड़ के आसपास का है और सेल्स भी जो है लगातार बढ़ती हुई दोबारा से हमें देखने को मिली। कोविड के टाइम थोड़ी सी गिरावट रही और अगर मैं इसकी जो प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ की बात करूँ तो यहाँ पर 199% और CAGR 57% है लास्ट 5 ईयर्स एक साल का। और बैलेंस शीट की बात करूँ तो रिजर्व देखिए लगातार इंप्रूव कर रही है कंपनी। 2014 में 27 करोड़ थे लेकिन 2013 में 41 करोड़ भी थे, 2016 में 9 करोड़ हुए और लगातार कंपनी इंप्रूव कर रही है। और बोरिंग्स जो है कंपनी वो भी लगातार कम करती जा रही है। 16 करोड़ के आसपास का ही कर्जा जो है इस कंपनी के ऊपर हमें इस टाइम देखने को मिल रहा है। टोटल एसेट्स की बात करें तो 94 करोड़ के टोटल एसेट्स कंपनी के पास अवेलेबल हैं और प्रमोटर्स की होल्डिंग 15.84% और पब्लिक की होल्डिंग 84.69% देखने को मिल रही है। तो यानी कि दोनों ही स्टॉक्स भले ही आज की डेट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन कुछ अच्छाइयां भी हैं और कमियां भी हैं। ये तो हर कंपनी में होता है कि किसी कंपनी की अच्छाइयां भी होती है और किसी कंपनी की कमियां भी होती हैं। तो उन दोनों चीज़ों को मेंटेन करके एक लॉन्ग टर्म के लिए कम क्वांटिटी होल्ड करके इन स्टॉक्स को कैरी फॉरवर्ड करके चला जा सकता है। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें।